अबे तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल कैश कहाँ है, बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ, लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? आओ डिंपल जी, ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो, मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा। तू पत्ते बाट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। डिंपल जी दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई, तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है, ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ, वो भी तो नकली है। टिम्पल जी ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना तभी हो गया था। ओहो भाई की बेटी समझ लो, कहा था लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें, मैं दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चिपके रहो। भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ डीलो के ना। सर 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 बात कर रहे हैं ना। सर पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर, आइए सर। अरे रुको रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे नंबर उम्बर गया तेल लेने। सर 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 मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर। अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर। यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर, वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी, कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं, झूठ है कि सच है। मैं तो गया काम से। सर एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर, मैं तो बेवकूफ हूँ इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर, आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दिए तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अरे सीनू, कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार, यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा, सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे, तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना, कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो इस्तेमाल।